हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड के बाद में हम लोग आ चुके हैं फाइनली हमारे जोहड़ में। और गाइस आज हम करेंगे ट्रेजर हंट इन जोहड़, क्योंकि भाई ये जो जोहड़ है ना, ये बहुत ही ज्यादा पुराना जोहड़ है। इसके अंदर हमेशा पानी रहता है और पानी रहता है ये मटमैले कलर का, कभी भी साफ पानी नहीं रहता क्योंकि चिकनी मिट्टी और ये हमेशा इसमें घुलती रहती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है ये किसी को भी नहीं पता, लोगों की चीजें भी गिरती रहती हैं, कहीं कहीं से बहकर के भी चीजें आती है, पूरे गांव में से बहकर के चीजें आती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमको इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अब वो तो ढूंढने पर ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या मिल पाएगा क्या नहीं। हमारे पास में बोट है, हमारे पास में मैग्नेट्स हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम लोग लेकर के आए हैं ताकि हम इसके अंदर ढूंढ सके, क्योंकि यहां पर वो जो मशीन वाला जुगाड़ है ना वो काम नहीं करेगा। तो गाइस आज मैं और मेरी टीम ढूंढेगी जोहड़ में खजाना। और गाइस छोटी बड़ी कैसी भी चीज मिले सब खजाना ही होता है यार, क्योंकि हमने कोई पैसा तो किसी को दिया नहीं, हम तो जस्ट ढूंढने आ गए। फटाफट शुरू करते हैं, सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस हमारा जो रिसर्च है वो स्टार्ट होगा हमारी इस बोट के साथ में। ये जो है एक रबर की बोट है, इन्फ्लेटेबल है, यानी कि ये फूल जाती है। अभी इसमें हमने हवा ऑलरेडी भर ली है, थोड़ी कम होगी अभी और भर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। गाइस ये मैग्नेट्स भी हमारे पास में है, इनको ऐसे पकड़ेंगे। ये देखो गाइस ये जो मैग्नेट है ये इतने बड़े साइज की नियोडिमियम मैग्नेट है, और इसमें यहाँ पे हैंडल भी है जिससे इसको पकड़ा जा सकता है। ये चिपक गई गाइस देखो। और सबसे बड़ी मैग्नेट हमारे पास में है यहाँ पे, ये देखो गाइस मैग्नेट का साइज पावर आपको जो है एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये कटर है, ये इसके पास लाता हूँ। देखो आप एक बार ये देखो, ये है एक लोहे की चीज, अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो भाई कितना जोर से ये जो है इसको खींचता है, और अब देखना इसकी पावर। पकड़ भाई इसको, इसको इस लोहे से छुड़ाने के लिए भी, और देखो इस पे स्क्रैचेस हो गए हैं, इतना पावरफुल ये मैग्नेट है। ये जो चीज है गाइस ये है एक बिल्ली। ओह शिट नो, कह दो कि ये झूठ है, इसको बिल्ली बोलते हैं। ये चीज पकड़ लेती है किसी भी चीज को, इसमें मैग्नेट तो नहीं है लेकिन पूरे में हुक्स हैं। और ये चीज हमारे पास में बहुत टाइम से रखी हुई है, ये काम आती है जब कुएं में कोई बाल्टी वगैरह गिर जाए तो अंदर ऐसे इसके किसी भी हिस्से में अटक जाएगी और इसको खींच सकते हैं। इसको बिल्ली बोलते हैं, जैसे बिल्ली के पंजे पकड़ लेते हैं वैसे ये भी पकड़ लेता है। तो भाई जो ये बिल्ली है कुछ इस तरीके से काम करती है। यहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी काफी पुरानी, देखो कितनी पुरानी है। तो गाइज हमारे पास में दो हुक्स तैयार हैं, एक में ये पंजा है बिल्ली है और दूसरे में जो है मैग्नेट्स हैं। बस इनको आपस में से टच नहीं होने देना है, नहीं तो गाइज ये जो है बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेती है एक दूसरे को। और इसकी मदद से हम जो है अब एक चीज कर सकते हैं कि एक ही बोट में से दो रस्सियां लटका सकते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक चीज होगी तो इसमें आ जाएगी, और अटकने वाली होगी तो इसमें आ जाएगी। चलो गाइज बोट को ले जाते हैं फटाक से पानी में और ढूंढना शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं पानी में, बोट को रखते हैं और सवार होते हैं बोट पे। और मेरी दो तरीके की चप्पल आ गई है गाइज गलती से, मैंने ध्यान नहीं रखा जल्दी जल्दी में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चलो ठीक है, धक्का दे दो, धक्का मार दो, धक्का मार दो। तो गाइज हम आ गए पानी के अंदर। कैमरा कैमरा अरे यार रुक जा, कोई नहीं वापस आ जाएंगे। अरे नहीं रस्सी जरूरत नहीं है, हम ऐसे आ जाएंगे। तो भाई हम कैमरा लेने आ चुके हैं क्योंकि हम ये ले जाना ही भूल गए थे, और अब आ चुका है कैमरा। वही पकड़िए एक बार, पानी में ले जाता हूँ। ये आ गए गाइस एक झटके में ही हम लोग पानी के अंदर, और चलते हैं थोड़ा सा अंदर। और अभी मुझे अकेले कोई गाइस चलाना पड़ रहा है तो दोनों साइड चप्पू मारना पड़ेगा, ऐसे भी और ऐसे भी। और मैं थोड़ा गहरे पानी में जाना चाह रहा हूँ। और भाई हम आ गए पानी के बीचों बीच। भाई अपना डालना शुरू कर दो इसके अंदर। अब मैं डाल रहा हूँ भाई मैग्नेट, और ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि पहली बार में कुछ आ जाएगा, पर आ भी जाए यार क्या पता है। ये गई गाइस मैग्नेट पानी में, और ये गई नीचे। और भाई ये जो बिल्ली है ना ये हमारी बोट को भी पंक्चर कर सकती है, क्योंकि इसके जो नाखून है वो बहुत पहने हैं। इसको इस साइड में डाल देता हूँ, और अब बोट को चलाते रहते हैं, कुछ भी होगा किसी में भी फंस सकता है दोनों में से। तो अब नीचे जो है दो अलग अलग चीजें पड़ी हुई है, मैग्नेट भी और बिल्ली भी। चला मार, चलने दो मार,
तो भाई वोट हमारी बहुत तेज चलने लग गई है और हो सकता है ये कुछ पकड़ के लाए। हवा चल रही है अभी हमारे अगेंस्ट में, फाइट हो गई है। कोई नहीं, रस्सी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 15-20 मिनट हो गए चप्पू चलाते हुए, अब मैं सोच रहा हूँ कि देख लेते हैं एक बार। और देखो ये कहाँ जा रखा है गाइस, ये तो है मैग्नेट और मैग्नेट में भी बहुत सारी चीज़ें उलझ गई, लेकिन आप देख सकते हो सिर्फ घास ही उलझ रखी है और कोई मेटलिक की चीज़ नहीं है। दो मैग्नेट्स बंधे हुए हैं यहाँ पे, फिर से डाल देते हैं। जो बिल्ली है वो इधर जा रखी है, देखो पीछे की साइड में मोहित के पास। मोहित निकालियो, वजन है, है वजन किस चीज़ का है? ओ तेरी, ओ भाई ये देखो इसमें बहुत सारा घास वगैरह है, देखो एक बार। ओहो, अब गाइस आप लोग समझ सकते हो कि जब ये घास को इस तरीके से फंसा सकती है इतनी सारी, तो ये किसी भी चीज को फंसा सकती है। कुछ नहीं है भाई। Many hours later. भाई बिजलियां गरज रही है यहाँ पे, तो वही तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे बिल्ली टाइट होती रहती है, एक बार इसको ले ओ। भाई बिल्ली जो है ना वो घास फूस फंसने से टाइट हो जाती है। ये है मैग्नेट। ओ तेरी इसमें कुछ है गाइस, ये कुछ फंस के आया है, ये क्या चीज है गाइस? खजाना तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ हमारे हाथ कामयाबी जरूर लगी है। जो मैग्नेट है उसमें ये हिस्सा, ये क्या जंग लगा हुआ गला हुआ लोहा आया है, ये क्या है? ये देखो भाई इस पे बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, देखो पता नहीं कब से मिट्टी में पड़ा हुआ है, देखो पूरा मिट्टी मिट्टी लग रखी है। तो भाई पहली चीज हमें मिल चुकी है, जो कि है गाइस एक लोहे का पत्रा। देखो एक बार इसका आर पार दिख रहा है, ये देखो देखो इसका आर पार छेद हो रखे हैं, और ये हमारी बोट को भी फाड़ सकता है। काम करना पड़ेगा, इसको किनारे में रखना पड़ेगा। लेकिन गाइस पहली चीज मिल चुकी है। इतनी खुशी मुझे आज तक। बिल्ली में देखो, इस बिल्ली में अब बिल्ली में भी चेक करते हैं, पहले इसको किनारे पे रखना पड़ेगा, ये बोट को फाड़ देगा। अरे कुछ लोहे का टुकड़ा मिला है, ये क्या है? ये चीज है लोहे का पत्रा है। और फिलहाल पता है गाइस बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लग गई, मौसम खराब हो गया है और हम लोग ज्यादा देर नहीं ढूंढ पाए, लगभग 1.5 घंटा हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं, अंधेरा हो गया एकदम। लेकिन गाइस हमारा आइडिया तो काम किया, कुछ तो आया। गाइस डे 2 फिर से आ चुके हम लोग, डालते बोट को पानी में और करते अपनी रिसर्च शुरू। चलो तो ये गई बिल्ली, ये गई चुंबक, और गाइस अब चलते हैं गहरे पानी में। तो भाई एक बार फिर से कुछ नहीं है, डालता हूँ इस बार, दूर फेंकता हूँ इसको जितना दूर रख सकते हैं। ये गई, और मैग्नेट भी देख लेते हैं। ओए अरे ये कुछ है गाइस, ये मैग्नेट जो है वो ही कुछ चिपका के ला रही है भाई। मैग्नेट जो है इसमें, एक सेकेंड, इसमें आया भाई घास फूस में उलझा हुआ कुछ लोहे की चीज है। ये देखो गाइस एक चीज और हमें मिल चुकी है, इसको धो लेता हूँ बढ़िया से। और भाई ये तो बात है कि कुछ तो जरूर से मिलता है यार ऐसे। ये देखो लोहा है बहुत जोर से चिपका हुआ है इस पे यार, इसको पकड़ना, खींचियो। ये देखो गाइस ये है लोहे का, लगभग इसमें 300-400 ग्राम वजन भी होगा। लोहे की एंगल है एकदम वही गली हुई जंग लगी हुई, देखो क्योंकि यार पानी में इतना टाइम रहेगा तो कोई भी चीज गल सकती है। लेकिन ये मिला है भाई, चलो कुछ तो मिला, कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया है। रखते हैं इसको बोट में और फिर से डालते हैं मैग्नेट को भी पानी में। और इसमें कुछ अटक के आया है गाइस, इसमें कुछ अटक के आया है बिल्ली के इस पंजे में, ये कुछ अटका हुआ है लोहे का, एक ऐसा मुड़ा हुआ पत्ता है। देखो क्या खतरनाक, क्या भयंकर इस पे जंग लगी हुई है, लुक एट इट। चीजें तो मिल रही हैं इसके अंदर, एक बात है लाइक बनता है इसके लिए। उसका क्या ढंग है जो कि है, ओ तेरी, ओ गाइस ये क्या बात है गाइस, इस बार कुछ काम की चीज लेके आई हमारी चुंबक। ये देखो गाइस ये लेके आई है एक बहुत पुराना चमचा। ओ भाई गाइस ये मिल गया। Thank you.
तो भाई हम लोग एक बार किनारे पे आ गए क्योंकि ये चीजें जो है हमारे राफ्ट को डैमेज कर सकती हैं, तो इसलिए ये चीजें इनको दे देते हैं। भाई इनको तुम रखो, हम और ढूंढ के लाते हैं। ये डब्बा आया है एक जिसके आर पार दिखता है, पकड़ो। और भाई हमको लगभग 1.5-2 घंटा हो गया और हमको कामयाबी भी मिली है। अभी तो पूरा दिन बाकी है, ढूंढना शुरू करते हैं दोबारा से। चलो भाई उत्तरी। ओ भाई गाइस, इसके अंदर इस बार 2 चीजें आई हैं चिपक के। अरे यार इतना कचरा इसमें, यार देखो क्या हाल हो गया यहाँ अंदर। और इसमें आई है गाइस ये 2 चीजें, और ये तो एक स्पीकर है। नहीं ये स्पीकर नहीं है, तो हॉर्न है, बाइक का हॉर्न है भाई। इसको मैं धो के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हम लोग किनारे पर ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर हमें मिला है ये हॉर्न। पता नहीं काम करता होगा या नहीं करता होगा। और ये आई है गाइस एक वो दराती या कुछ भी इसको बोल सकते, जो फसल काटने की आती है ना, एकदम गली हुई है ये। देखो पानी में पड़ी पड़ी चीजें यार गल तो जाती है, और हत्ता भी नहीं है। जो हैंडल है ना वो इसके अंदर नहीं है, पता नहीं टूट गया या फिर वो गल गया। 2 चीजें आई है गाइस इस बार। और हमारी जो बिल्ली है उसको भी देख लेते हैं कि उसके पंजे ने क्या पकड़ा है। ओ गाइस इसने भी कई सारी चीजें पकड़ी हुई है यहाँ पे। ओ ये क्या है, बहुत भयंकर उलझ गया इसमें। अरे रुक रुक, उसमें भी कुछ है, दूसरी साइड भी कुछ है। ओ भाई इसमें गाइस ये क्या है गाइस, एक ये चीज निकली है इसमें। हथकड़ी नहीं है ये, कुछ और ही है, इसको देखना पड़ेगा। ये खेती वेती करते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ चीज है। और गाइस बहुत सारा तार, पुराना लोहे का तार क्या क्या पड़ा है अंदर यार सोचो भाई, पानी में दिखता कुछ नहीं, और ये क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे तार है जो कि पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। देखो मिट्टी विट्टी इसके अंदर घुस रखी है, लेकिन अब तो ये आ चुका है हमारे पास में गाइस। भाई शुरू में सोच रहा था कि पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है मजा आ रहा है इस चीज के अंदर। ये गई मैग्नेट और ये गई बिल्ली दूर। दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, फेंक फेंक के निकाल रहा हूँ। 3 चीजें एक बार में, 3 चीजें आई इस बार तो क्या बात है। फिर से फेंक देते हैं। अभी हम लोग जो है जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई पानी पानी के अंदर। खींच 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 मोहित खींच, घुसे घुसे इसके अंदर। ये देखे क्या क्या है, देख तार वार है, बहुत कुछ है। ये ले तेरी बाइक में हॉर्न लगा लेना। एक ये दांत लिए और एक ये है टिक स्प्रे। अरे भाई यहाँ तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा गाइस, वास्तव में बहुत थकान हो गई। 2 लोग तुम लोग चले जाओ यार, हम आधा घंटा रेस्ट करेंगे अभी। हालत देखो हाथ पैरों की भाई। चलो 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 जाओ 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 जाओ। तो भाई अब ये लोग ढूंढेंगे थोड़ी देर के लिए, उम्मीद करते हैं इनको कुछ मिल जाए। चलाओ बे, ये फंस गया, ये फंस गया। सी है सी, ऐसी चीजें ढूंढ दूंगा, सीना सोच छीना होगी। तो गाइस इस साइड जाएंगे हम, इस साइड में, क्योंकि वो लोग इधर नहीं गए थे। भाई क्या है ये? ओ यार भाई बहुत सारा है कचरा उसके साथ में है कचरा लोहे का, लेकिन ये मिल गया हमें, ये मिल गया। चलो आगे चलते, आगे आगे रहस्यमयी दुनिया के एक और छोर पे अलग भाई एनर्जी में आ जाते हैं। देखो कुछ मिलते ही ये सब। अरे ये क्या है? अरे ये ही दिख रहा था मेरे को, लग रहा है। ओ भाई क्या है क्या है क्या है क्या है? एक और चीज मिल गई। ये देखो गाइस, बुला रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आ जाओ। तो हम ट्राई करते हैं यार, इसमें मेरे को वेट हो रहा है। क्या है ये, तुम लोग चालू क्या, क्या हुआ, क्या मिला? कुछ तगड़ी चीज लग रही है, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन वेट बहुत ज्यादा है। उत्तरी। ओ भाई भाई साहब मिट्टी देखो, तो भाई इसके चारों तरफ देखो मिट्टी में धसा हुआ था, तभी मेरे से खिंच नहीं रही थी। ये बहुत हैवी वेट है। और भाई ये मेरे को लग रहा है ये कोई मोटर का, बोरवेल का, या किसी हैंडपंप वगैरह का कुछ पार्ट है।
दो लोग ये अब फिर से जा चुके हैं और चीजें ढूंढने के लिए, देखते हैं इनको क्या मिलता है। ओ क्या हुआ, चल है कुछ तो है, देखने इसको क्या है इसमें। अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा कुछ, उसमें भी है एक और है, एक और है उसमें। हाँ, दो है। अरे कुछ कुछ मिला है कुछ तो, ये जाली सा है कुछ। अरे यार ये तो भाई उन लोगों को जाली मिल गई, वो खुद जाली है, उनको जाली जैसा कुछ मिला है, पता नहीं क्या मिला है। वो लोग देखो वहाँ पे है, वो रहा आटा छालने की छलनी। ये तेरे कुछ काम का वैसे तो है नहीं, बट हाँ ये मेटल जरूर है, तो ये हमारे लिए खजाना जरूर है। फंस गई क्या? फंस गई। और भाई लगता है भारी हो चुका है हमारा चुंबक और वो बिल्ली। आता हूँ, क्या हो गया? अरे बहन चढ़ जाएंगे अगर तेरे चलान चावे को ना बैठ पे ना कमाने। और वहाँ पे ताऊ है, वो बोल रहे हैं कि हमारी भैंस यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ से निकाल लो तुम्हारी बोट। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसमें तो आग ही संभाले, इसको बहुत बारिश आ रही है। इसकी घुड़ी में देखता हूँ क्या क्या। रुक जा यार। अरे यार इसमें बहुत गजब सरप्राइज आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब। सोना यार ये किसकी है? ये तो सोने की हो है, घड़ी। ओ भाई घड़ी, सच में सोने की है। मेरी कसम खा, तेरी कसम भाई साहब, मुझे लगता है ये असली है। दिखाना देखो, देखो किस चमक रही, कब से पड़ी होगी ये भाई, कौन से जमाने की? जमाना तो इतना पुराना नहीं होगा। बट इसमें देखो ना तो जंग लगी, लोहे की है भली, पर ये देख देख चिपकता है। इसके चैलेंज था, ये चैलेंज था ये। आप जाके दिखा। काम था क्या? अरे थक गया, देखो कपड़े उपड़े सब भाई सब देखो देखो देखो, देखो पीछे से गीला हो गया भाई मोहित, तो मैं भी तो गया देख, सब गंदे हो चुके हैं। मेरे लिए लाइक तो बनता है यार। बिल्कुल भाई, इनके लिए एक लाइक कर भाई, प्लीज लाइक कर देना यार। तो गाइस अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं और इस बार हम एक नई जगह पे आए हैं, तो मतलब जिस जगह पे किसी ने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया है। और इधर पे भी काफी लोग आते हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पे पानी ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन जब एक मौसम आता है बारिश जब नहीं होती है, गर्मियों का मौसम आता है ना, तो ये जो हिस्सा है ये सूख जाता है। यहाँ पर काफी लोग बाग आते हैं और यहाँ पे काफी लोग यहाँ से मिट्टी वगैरह भी लेके जाते हैं, क्योंकि जोहड़ की मिट्टी है, इससे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो है टेस्टिंग करते हैं हम। अरे यार हमारी बोट आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ फंस गया लगता है। उत्तरी मिट्टी में गया भाई, उत्तरी क्या है? ओ भाई भारी चीज है कोई, बहुत भारी है। कौन सा वाला है ये गाइस? बहुत ओ ये देख, ये क्या चीज है? अरे लोहे का ब्लॉक पड़ा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे, इतना बड़ा लोहा। गाइस ये कहां से आया इसमें, और ये चिपक गया इस मैग्नेट से। और भाई इसका वजन आप नहीं मानो तो कम से कम 3-4 किलो होगा, बहुत बड़ा है। ये क्या काम आता है पता नहीं भाई, लोहे का ऐसा टाइल जैसी चीज है। इस पे देखो ये शेप बनी हुई है टाइल की, बहुत हैवी है भाई, 4 किलो भी नहीं है तो 5 किलो है कम से कम। और ये मैग्नेट पे चिपक रखा है देखो, इस मैग्नेट हमारी इतनी स्ट्रांग है दोनों मिलके कि इसने इसको पकड़ रखा है। हटाने की कोशिश करते भाई, अरे इसने तो मैग्नेट ही उखाड़ दिया। अरे भाई साहब इसने तो हमारी मैग्नेट ही उखाड़ दी, मैग्नेट टूट गई इसके चक्कर में, वो ज्यादा हैवी था ये। कोई नहीं, अभी ऊपर एक मैग्नेट और बंधी हुई है देखो, और तेरी अभी भी अरे यार इसमें ये भी निकल गई, पर फिर भी ये चिपकेगा क्योंकि इसमें अभी ये एक मैग्नेट बाकी है। लेकिन गाइस ये देखो यार, यार मैग्नेट ही टूट चुकी है भाई, ये मिला यार कितना बड़ा है देखो, और इस पे पेंट सा हो रखा है, मुझे लगता है इसलिए इस पे ज्यादा जंग भी नहीं लगी है। वाओ भाई क्या क्या बड़ा हुआ है यार यहाँ पे, और मुझे लगता है ये तो पता नहीं यार कैसे। अरे इस मिट्टी से ये ईंटे जैसी शेप बनी हुई है, इसे ईंट वगैरह तो नहीं बनाई किसी ने, पर यहाँ क्यों लाया गया यार कोई, पता नहीं भाई। जो भी हमें तो मिल गया, रखते हैं और ढूंढते हैं, और इस मैग्नेट को हटा दें तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों हमको 2 दिन हो गए इसमें चीजें ढूंढते ढूंढते, और मुझे नहीं पता कि हम आपको कितनी चीजें ऐसे ढूंढते और दिखा पाएंगे। एक काम करते हैं, किनारे पे चलते हैं और जो कुछ अपने को अब तक मिला है ना वो आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। अब इतनी लंबी वीडियो पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने बहुत चीजें ढूंढी है इसके अंदर, हमने ढूंढी है, दूसरे ग्रुप ने ढूंढी है, चलो वो देखते हैं।
बोट चलाने की वैसी प्रैक्टिस हो गई भाई, बोट को वैसे भगाते हैं अब हम लोग। ये देखो पकड़ो 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 भाई, 2-3 हो गई है चीजें ढूंढते हुए, पकड़ लो यार ये अपने आप में ही बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। आपको दिखाते हैं सारी चीजें, इधर आ जाओ गाइस। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारी पहली चीज से, जो कि था एक पत्रा। ये लोहे का पत्रा था, मुझे सबसे पहले मिला था तो मस्त चीज थी। उसके अलावा ऐसा एक लोहे की और जाली मिली है और एक और पत्रा मिला है, ये इसी का हिस्सा था। यहाँ पर अभी मुझे लास्ट में एक रिंग सा मिला था जो लोहे का है, लगभग 300-400 ग्राम इसमें वजन है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसे मोड़ा हुआ सा है, पता नहीं क्या काम आता है। पत्ती है और एकदम जंग लगी हुई है, देखो कितना जंग इस पे, खतरनाक जंग लग रखी है भाई, बहुत ज्यादा। एक खुरपा है टूटा हुआ, एक स्टेनलेस स्टील का कड़ा, जो कड़ा आता है ना हाथ में जो लोग पहनते हैं, वो एक कड़ा मिला है जो कि एकदम सही है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। ट्रैक्टर वाली नलकी है। यहाँ पर गाइज ये चीज़ बहुत अलग मिली है, ये पता नहीं एक मैग्नेट है या क्या चीज़ है, क्योंकि ये लोहे को अट्रैक्ट करती है। देखो देखो ये लोहे को हल्का हल्का अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर एक लॉक है, आई थिंक 2 लॉक मिले हमें, हाँ एक लॉक ये रहा, ये हमें मिला था और ये इन लोगों को मिला था जिनके दोनों की चाबी नहीं है। गाइज ये मिली है सबसे खतरनाक चीज़, पता नहीं क्या है। एक इस पे जो वो लॉक टाइल होता है उसका शेप बना हुआ, हमारे चुंबक को भी इसने तोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत हैवी है, चुंबक बहुत पावरफुल थी तो झेल नहीं पाई। एक पाइप का टुकड़ा एकदम गला हुआ, बहुत हैवी, ये है काटने का हथियार। अभी क्या काटने का है नहीं पता, लेकिन ये मिला है। एक डब्बा है, ये गाइस मैंने पता किया है, ये जो है पाइप में लगती है जब सिंचाई होती है, तो ये उसकी कुंडी मिली है। एक हमें जंजीर मिली थी भैंस बांधने की, एक ये है अपना हॉर्न, जो अपने गाड़ी वाड़ी का हॉर्न होता है। एक गाइस दराती जो कि टूटी हुई है, ये वाली मिली थी। एक टोंटी मिली है जो कि लोहे की है। एक गाइस ऐसी चमचमाती हुई घड़ी मिली, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, पीछे भी आप देखोगे तो कुछ नहीं है, ये तगड़ी चीज़ है। एक इंची टेप का छोटा सा टुकड़ा मिला है, एक खाली कैन है, एक एंगल है, लोहे के तार मिले हैं गाइस, वन ऑफ माई फेवरेट, एक चमचा मिला है जो कि लोहे का है, पता नहीं कितना पुराना है, जंग लगा हुआ है, साफ करने के बाद भी जंग है वो अच्छे से हट नहीं पाई। और गाइस 2 चीज़ें हैं ये, एक लोहे का ये टुकड़ा है और एक लोहे का ये टुकड़ा, जो हमें नहीं पता क्या काम आता है। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं जोड़ के अंदर गाइस, पानी के अंदर ट्रेजर हम चैलेंज करने में, इतनी सारी चीज़ें मिल गई भाई। अब ज़्यादा कुछ नहीं तो कबाड़ में भी इस सबको बेचेंगे तो भाई कम से कम 1000-1000 रुपये का तो जुगाड़ हो जाएगा, बाकी ये चीज़ पता नहीं कुछ काम भी आ सकती है। कबाड़ में जब ट्रेजर हंट करते हैं ना, चीज़ें दिखती हैं सामने तो हम काम की चीज़ें ज़्यादा उठा पाते हैं। अब यहाँ तो पानी में यार वैसे ही कुछ नहीं दिखता, और जो कुछ दिखता है वो हमने ढूंढ लिया गाइस, मतलब जो कुछ हमारे हाथ आ पाया। तो क्योंकि मन पसंद की कोई बात ही नहीं है ना भाई, जो चीज़ दिख, मतलब जो चीज़ मैग्नेट के चिपक गई या बिल्ली में उलझ गई तो वही आ पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इस वीडियो के अंदर, अगर आया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।